ये वर्लपुल का बिल्डिंग और मॉडल नंबर AKPR6011BLK है। इसमें हम देखेंगे कि इसका डेमो कैसे ये ऑपरेट होता है फंक्शनली। सबसे पहले याद रखना है कि इसमें जो मेंस प्लग और सॉकेट है वो 15 से 16 एम्पेयर का रहना चाहिए। डेमो से पहले देखेंगे इसमें क्या क्या एसेसरीज है। ये जो अंदर में दोनों साइड में ये स्लाइडिंग ब्रैकेट दिए हुए हैं, उसके बाद में ये वायर सेफ दिया हुआ है। एक रोटेसरी दी हुई है। अरे यूनिवर्सल पैन दिया हुआ है। अभी हम इसे स्टार्ट करेंगे। डिस्प्ले में 00 आएगा। सबसे पहले क्लॉक सेट करना है। अभी 11 बजे हुए, 11 सेट किया है, 11 बज के। इसमें जो स्विच दिया हुआ है टच स्विच, पहला जो दिया हुआ है टाइम वॉच का दिया हुआ है टाइम सेट करने के लिए, और ये सेकंड नंबर का जो है ये रिमाइंडर और रिजर्वेशन फंक्शन के लिए दिया हुआ है, तीसरा जो है फंक्शन सेट करने के लिए दिया है, और ये प्लस माइनस नेविगेशन की है। नेविगेशन की के बाद में ये टेम्परेचर सेट करने के लिए की है, उसके बाद में ये स्टॉप और पॉज के लिए है, और लास्ट वाला प्ले के लिए। अभी हम इसमें देखेंगे कि फंक्शन कौन कौन से है। सबसे पहला है ये ओन लैम्प का है। इसमें आप डोर को बिना ओपन किए देख सकते हैं अंदर में जो रेसिपी है वो कैसे कुक हो रहा है, कितने परसेंटेज तक हो गया है वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये सेकंड फंक्शन जो है ये डिफॉल्ट का है। थर्ड जो फंक्शन है वो बॉटम हीट का है। फोर्थ जो फंक्शन है वो है कन्वेक्शनल कुकिंग का। फिफ्थ जो है वो कन्वेक्शनल विद फैन का है। सिक्स जो प्रोग्राम है वो डबल ग्रिलिंग का है। सेवन जो है वो है डबल ग्रिलिंग विद फैन का। आठवां जो प्रोग्राम है वो कन्वेंशन का है, और ये लास्ट 9 जो प्रोग्राम है वो रेडिएंट ग्रिलिंग का है। अभी हम एक प्रोग्राम चूज करेंगे और कैसे सेट करना है वो बताएंगे। जैसे ये लिया, अभी जैसे ये प्रोग्राम है कन्वेक्शन विद फैन, इसमें ये जो 9 आवर, सभी जो अपने प्रोग्राम है उसमें 9 आवर का डिफॉल्ट टाइम रहेगा। हमें वो टाइम सेट करना है कि रेसिपी के हिसाब से कितना टाइम देना है, वो टाइम इस तरह से सेट करना है। 2 मिनट, अभी जैसे ये 2 मिनट का हमने टाइम सेट किया है, और ये टेम्परेचर जो दिख रहा है टेम्परेचर को भी सेट कर सकते हैं। सुंदर आएगा, कितने टेम्परेचर में हमें कुक करना है, उसके बाद में कंफर्म करना है प्ले बटन से। स्टार्ट, ये अपना जो प्रोग्राम है जो अपन ने सेट किया है वो स्टार्ट हो गया। अभी हमने ये 2 मिनट का प्रोग्राम लगाया था, 2 से 1 पे आ गया है। ये प्रोग्राम आपका स्टॉप हो गया। और
अगर आपको कोई प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया है और वो कैंसिल करना है तो उसके लिए जो पॉज बटन है उसको अगर फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम रुक जाएगा, डबल प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। अभी इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें चाइल्ड लॉक कैसे करना है। चाइल्ड लॉक के लिए जो पॉज और प्ले का बटन है वो कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना है, 3 सेकंड में ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा। ये चाइल्ड लॉक का सिंबल आ गया। अगर अभी कोई भी स्विच आपका काम नहीं करेगा, चाइल्ड लॉक ओपन करने के लिए वापस से पॉज और प्ले का जो बटन है उसको प्रेस करना है, 3 सेकंड के अंदर में ये लॉक ओपन हो जाएगा। अभी और इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है एनर्जी सेविंग का। एनर्जी सेविंग के लिए आपको जो है प्ले का जो बटन है वो प्रेस करके रखना है, ये 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के बाद में ये आपका डिस्प्ले जो है वो बंद हो जाएगा। अभी वापस डिस्प्ले ऑन करने के लिए आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हो, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ये जो एनर्जी सेविंग का जो फंक्शन है ये वेटिंग स्टेट और रिमाइंडिंग जो स्टेट है ये दोनों स्टेट में काम करेगा। अभी हम देखेंगे कि रिमाइंडर फंक्शन कैसे ऑन होता है। चलो अभी ये जो स्विच है इसमें दो फंक्शन काम करते हैं, एक रिमाइंडर फंक्शन है और एक रिजर्वेशन फंक्शन है। ये जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले में ये रिमाइंडर फंक्शन के लिए है और इसके बाद में आप वापस प्रेस किए तो ये जो दिख रहा है आपको ये रिजर्वेशन फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे रिमाइंडर फंक्शन कैसे काम करता है। ये दिख रहा है आपको डिस्प्ले में रिमाइंडर का सिंबल दिख रहा है। अभी इसमें हमको टाइम डालना है जितने टाइम बाद हमको ऑन को ऑन करना है। अभी हमने 2 मिनट का रिमाइंडर सेट किया है इसमें। 2 मिनट होने के बाद में यहाँ से 10 बीपिंग आएंगे छोटे छोटे, वो आपको अलार्म करेंगे कि अभी आपको ऑन चालू करना है। जैसे कि आप आधा घंटा एक घंटा रख सकते हो रिमाइंडर, उसके बाद 10 बीप आएगा उसमें। ये देखिए अभी बीपिंग आ रहा है। इस तरह से आपको अलार्म करेंगे वो। इसके बाद में हम देखेंगे रिजर्वेशन फंक्शन कैसे ऑपरेट करना है। वही रिमाइंडर अभी रिजर्वेशन फंक्शन अब इसको देखेंगे कैसे ऑपरेट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो टाइम सेट रहना चाहिए, जो वॉच का जो टाइम दिया हुआ है वो सेट रहना चाहिए। अभी हम इसमें रिजर्वेशन टाइम पुट करेंगे। अभी 11:45 हुआ है समय, हमने 11:50 का रिजर्वेशन टाइम सेट किया है। फंक्शन उसके बाद प्रोग्राम, इसके बाद में प्रोग्राम सेट करना है। एक प्रोग्राम लिए है, इसका टाइम सेट करना है। ओके करना है। अभी हम रिजर्वेशन फंक्शन कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखेंगे। रिजर्वेशन फंक्शन के लिए जो स्विच दिया हुआ है उसको 2 बार प्रेस करना है। पहले बार में वो रिमाइंड मोड में आएगा, सेकंड टाइम में ये अभी रिजर्वेशन फंक्शन के लिए डिस्प्ले में रिजर्वेशन का सिंबल और एंड डिस्प्ले होगा। अभी टाइम सेट करना है वो। अभी इसमें रिजर्वेशन टाइम सेट करना है। अभी हम इसमें 10 मिनट का रिजर्वेशन टाइम सेट करेंगे।
10 मिनट का रिजर्वेशन टाइम सेट हुआ है। इसके बाद फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, ये फंक्शन हमने सिलेक्ट किया है, इसमें हम 5 मिनट का प्रोग्राम सेट करेंगे। तो 5 मिनट का प्रोग्राम सेट हो गया है। अभी इसमें एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि हमने 10 मिनट का रिजर्वेशन टाइम सेट किया हुआ है और 5 मिनट का प्रोग्राम है, तो अभी ये ओन जो है वो 10 मिनट से 5 मिनट माइनस हो के जो 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद में ये ओन स्टार्ट होगा कुकिंग के लिए। मान के चलो कि आपको आधे घंटे बाद अगर कोई रेसिपी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अगर वो प्रोग्राम, रेसिपी का प्रोग्राम अगर 15 मिनट का है, तो आपको 45 मिनट्स लेना पड़ेगा रिजर्वेशन टाइम। अभी देखेंगे हम, हमने प्रोग्राम लगाया था 11:45 को, अभी 11:50 में ओन स्टार्ट होगा। अभी देखिए ये ओवन स्टार्ट हो गया 11:50 पे। ये 5 मिनट का प्रोग्राम है, ये 5 मिनट तक प्रोग्राम चलेगा और ओवन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरह से ये रिजर्वेशन फंक्शन जो है वो ऑपरेट करना है। थैंक यू।